प्रियंका तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना एंड बेबी यू टेक केयर हाँ चलो जानू पता है मन ही नहीं कर रहा तुमसे अलग होने का आई विल बी बैक सून बेबी सैम जब जब मेम साहब बाहर जाते हैं आप उन्हें इतने प्यार से गले लगाते हो कि काश ऐसा ही इसे क्या मतलब है तुम्हारा क्या ये तुम्हें भी गले लगा था देवा रे देवा मैं ऐसा कब बोली मैं तो ये कह रही थी कि जब भी मैं काम के लिए घर से बाहर निकलती हूँ ना काश मेरा मर्द भी मुझे ऐसे ही गले लगाता शट अप प्रियंका एंड व्हाट यू डूइंग हियर हां अंदर जाओ और अपना जाके काम करो मैं तो उनको हौसला दे रही थी साहब जाने दो मैं इन सबको मैं आपका इतना अच्छा ख्याल रखूंगी आपको उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी आपके जाने के बाद मैं किचन और बेडरूम का बराबर ख्याल रखूंगी प्रियंका इट्स नॉट बेडरूम इट्स बेडरूम नहीं सब अंदर उस कमरे में क्या क्या होता है मेरे को सब मालूम है इसलिए मैं बेडरूम बोली प्रियंका शट अप क्या बकवास कर रही हो अरे मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ आप उसको बकवास बोल रहे हो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैम साहब में हमेशा मेरे को कहती रहती है ना मेरे रहते उस बेडरूम में तुम कदम नहीं रखने का मेम साहब के जाने के बाद अब तो मैं साहब का ख्याल रख सकती है ना तुम कुछ ज्यादा ख्याल नहीं रखती हो मेम साहब ड्यूटी इज ड्यूटी और ये तो कुछ भी नहीं है अब लौट के आओ मैं आपके पति को एकदम काम का बना दूंगी काम का मतलब आप ही तो बोलती रहती है ना ये किसी काम का नहीं है आई विल चेंज यू सुनो जानू मैं अकेले कहीं नहीं जा रही हूँ बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो ये पूरा घर लूट के ले जाएगी लेकिन अगर तुम यहाँ पे रुक गए तो ये कमी थी मेरे सुहाग को लूट के लेके चली जाएगी ये मेम साहब इस साहब के कान में क्या खुसर खुसर करे अगर मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना देख लेना लफड़ा हो जाएगा IBM की सेक्रेटरी है मैं इंडियन बायनी वारंट बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है हमारा हाँ प्रियंका तुम अंदर जाओ चलो साहब मुझे ना अकेले जाते हुए बहुत डर लगता है आप चलो ना हाँ चलो दिस इज टू मच साइन एक बाई को तुम रूम तक ड्रॉप करने जा रहे हो और मैं तुम्हारी बीवी होके अकेले मैके जा रही हूँ व्हाट इज दिस उसको डर लगता अरे है क्या मैडम क्या फालतू शक करते हो हमारा साहब इतना केयरिंग है ना इतना केयरिंग है कि क्या बताऊँ कितना केयरिंग है सबका ख्याल रखता है भगवान ने सबको सब दे शट अप देखिए बिग बेन ऐसे पति सबको दे ये मेरा पति है सिर्फ मेरा तो मैंने कौन सा बोला पूरे एरिया का है हा? छोड़ो मैडम क्या जाने से पहले खाली पीली मचमच कर रही हो जाओ ना साहब को लेट हो रहा है बेबी मैं नहाने के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम फ्लाइट के लिए मेरी फ्लाइट 4 घंटे बाद है तुम क्यों मुझे जल्दी भगाना चाहते हो इंटरनेशनल फ्लाइट में 3 घंटा पहले जाना पड़ता है मैं दुबई हमेशा एक ही रेट पे जाती थी एक ही रेट नहीं होता है इट्स एमिरेट्स आहा उतना मालूम है मेरे को एमिरेट्स हो या कतार मैं एक ही रेट पे जाती थी मेरी मौसी का लड़का है ना वो एयरपोर्ट पे काम करता है जेनिफर यू मीन जेनिटर सेक्स चेंज कराया पहले जनार्दन था अब जेनिफर अब मुंह बंद करो निकलो जल्दी से नहीं तो लेट हो जाएगा आपके लिए ओला कैब मंगा दिया मैंने आते ही होगा मतलब साहब और मैं सुबह से आपके जाने की तैयारी कर रहे देखो कितना खुश लग रहा है हमारा साहब आपने साहब का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखा Going to miss you, baby. और आप है कि मिस करने ही नहीं दे रहे हो प्लीज जाओ साहब के स्टेटस का सवाल है ना साहब That's none of your business. मैं कल चली जाऊंगी नो बेबी प्रियंका सही कह रही है इस कमीनी ने मेरे पति को फंसा लिया है हे भगवान अब मेरा पति इस काम वाली की साइड ले रहा है ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई मुझे क्या पता ये तो आपका प्रॉब्लम है वेट कमीनी तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं एंड यू लिसन टू मी मैं मैके नहीं जा रही हूँ अब तुम जाओगे इस घर से और 2 दिन तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना थैंक यू प्रियंका तुमने मुझे पूरे 2 दिन की छुट्टी दिलवा दी अब मैं दोस्तों के साथ जाके बियर पीऊंगा मैच देखूंगा अच्छा तुम्हारी सैलरी डबल अकबर